नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रीवा मध्य प्रदेश में साव चोड़ियार मोड़ से रायपुर करचू NH7 मुख्य सड़क को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत खराब। ग्राम पंचायत चोड़ियार जनपद रीवा में पाइपलाइन की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए 26 सदस्य धरने पर बैठेंगे कामरेड लालमणि त्रिपाठी। आवागमन को सुलभ और क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार जगह जगह सड़क और पुल बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है। मामला जिला मुख्यालय रीवा का है, जहां तकरीबन 10 किलोमीटर दूर महसाव चोड़ियार मोड़ से रायपुर करचू सड़क पर पिछले कई वर्ष से क्षेत्रीय लोग गड्ढों से गड़ी वाहन से निकलने को मजबूर है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जीत जाने के बाद यहां से निकलना भूल जाते हैं। लेकिन इस रोड को न बनने से लाखों मरीज, प्रसव वाली महिलाएं, स्कूली बच्चे, किसान, छोटे व्यापारी लोग प्रभावित हैं। क्षेत्रीय वरिष्ठ नागरिक कामरेड लालमणि त्रिपाठी के साथ कई लोगों ने बताया यहां सड़क निर्माण के लिए मांग को लेकर। यहां से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने कहा, कई बार कहे जाने के बाद भी रोड का कार्य नहीं कराया जा रहा। वहीं लालमणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम चोड़ियार जनपद रीवा में हो रहे पाइपलाइन के कार्य में काफी घोटाला हुआ, गुणवत्ताविहीन कार्य किया गया, जिसकी जांच हो आदि के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे कामरेड लालमणि त्रिपाठी। संवाददाता कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।